हे गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। डेरिवेटिव से रिलेटेड ये वीडियो है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में चेन रूल बताया था, जो मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर चेन रूल लगता है। देखें, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस पे डेरिवेटिव किस तरह लेना है, किस तरह के फंक्शंस पे डेरिवेटिव किस तरह लेना है, ये हमें डेरिवेटिव के टॉपिक में पढ़ना है। मैं अभी तक डेरिवेटिव की बहुत सी वीडियोस दे चुकी, क्योंकि डेरिवेटिव एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। आपको वन बाय वन में सब आर्टिकल्स जो डेरिवेटिव में आ रहे हैं, उन पे वीडियोस दे रही हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, वो थी कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है। मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन की एग्जाम्पल दी, फिर उसका डेरिवेटिव किस तरह लेना है, उसमें चेन रूल लगता है, चेन रूल क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करवाई। वो आर्टिकल वहाँ पर मैंने ख़त्म किया। नेक्स्ट प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फॉर्मूला। पैरामेट्रिक का मतलब है पैरामेट्रिक फंक्शंस अगर आपको आ जाएं, तो आपने उसके ऊपर डेरिवेटिव किस तरह लेना है। उसका डेरिवेटिव लेने का एक फॉर्मूला होगा, आपने उसके ऊपर वही फॉर्मूला अप्लाई करके डेरिवेटिव लेना है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस चैनल को, जो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव फार्मूला। पैरामीट्रिक डेरिवेटिव फार्मूला, मैंने आपको बताया, ऐसा डेरिवेटिव फार्मूला जो पैरामेट्रिक फंक्शंस के ऊपर यूज़ होगा। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन पेपर में जब आपको पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो आपको पता हो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है और मैंने इसके ऊपर किस तरह डेरिवेटिव अप्लाई करना है। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। मैथ्स में डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। कुछ कॉम्पोजिट होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ रैशनल फॉर्म में होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस अगर मैं इनको डिफाइन करूँ, तो आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस इन विच वन वेरिएबल, या फिर आप कह लें ईच वेरिएबल ज़्यादा सूटेबल है। ईच वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड एज एन अदर वेरिएबल ऑफ सम पैरामीटर। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर हो सकता है, या फिर आप इसको इजी वर्ड में कहना चाहें, तो आप कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसके अंदर लेट्स सपोज टू वेरिएबल्स हैं, और वो दोनों वेरिएबल्स उस फंक्शन के आगे किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस्ड हो, डिफाइंड हो, तो आप उन फंक्शंस को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल से। एग्जांपल है, लेट्स सपोज आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर वाई फंक्शन है किसी वेरिएबल एक्स का, लेट्स सपोज एक्स टू, तो ये एक फंक्शन है आपके पास। इस फंक्शन में दो वेरिएबल यूज हो रही हैं, x और y। अगर मैं x और y को किसी थर्ड पैरामीटर के फंक्शन में लिख दूं, तो इस फंक्शन को मैं क्या कह सकती हूँ, ये फंक्शन पैरामीट्रिक तब कहलाएगा जब y और x दोनों ही वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस्ड कर दिए जाएं। जैसे मैं कह दूं x जो है वो है f ऑफ t, फंक्शन है किसी t वेरिएबल का, और जो y है वो भी किसी फंक्शन है किसी t वेरिएबल का। लेट्स सपोज इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, t स्क्वायर के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, t स्क्वायर प्लस वन के। तो अगर आप और करें, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x जो है वो भी t के फंक्शन में लिखा जा रहा है, y भी t के फंक्शन में लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो वेरिएबल्स थे इस फंक्शन में, इस फंक्शन में दो ही वेरिएबल्स थे, तो ईच वेरिएबल इस फंक्शन का किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर, किसी थर्ड फंक्शन के अंदर, थर्ड पैरामीटर के अंदर लिखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह का फंक्शन आए, आपको वाई इज इक्वल टू समथिंग हो, जो वेरिएबल है वो सारे आगे आपको डिफाइंड हो, कि एक्स किसी और, या फिर थीटा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर फाई भी हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल वी हो सकता है, यू हो सकता है,
वाई भी किसी और वेरिएबल में डिफाइंड हो, तो आपको फौरन क्लिक होना चाहिए कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और आपने पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फार्मूला लगाना है। ये था पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फार्मूला क्या है। अगर आपको पैरामेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फार्मूला लगाना है, और वो होता है क्या, इफ ऑल थ्री डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, कौन से तीन डेरिवेटिव मैं आपको बताती हूँ, एंड डी एक्स ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फॉर्मूला हमें क्या कहता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ऑल थ्री डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एक ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, एक ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, एक ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ऑल थ्री डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, और जो डिनोमिनेटर में है डी एक्स ओवर डी टी वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। क्यों ना हो, अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया, सपोज मैं इधर रफ में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी ज़ीरो हो गया तो ये फॉर्म तो अनडिफाइंड बन जाएगी। तो अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए उसने क्या बोला है कि डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी क्या हो, डिफाइंड हो, एग्जिस्ट करें, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फार्मूला फॉर डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पैरामेट्रिक फार्मूला ये होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पैरामेट्रिक फार्मूला डिफरेंट होता है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का वो बता रही हूँ। ये था इसका फॉर्मूला। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ताकि आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आसान। एग्जांपल करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पैरामेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस फोर, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, y वेरिएबल t के अंदर डिफाइंड है, x वेरिएबल t के अंदर डिफाइंड है, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन जो हमने फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, y और x आगे किसी थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। अब इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या है, डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डी वाई ओवर डी टी, डी ओवर डी टी इंटू हम y की जो वैल्यू है ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका स्टेप वन होगा डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेप वन, फाइंड डी वाई ओवर डी टी। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे टी स्क्वायर प्लस वन का अकॉर्डिंग टू डी टी, तो क्या इसका आंसर आएगा, डी ओवर डी टी डेरिवेटिव टी स्क्वायर पे लग, डेरिवेटिव वन पे अलग से होगा, क्योंकि यहाँ पे टू फंक्शंस का सम था, डेरिवेटिव सम रूल लगेगा। डेरिवेटिव टी स्क्वायर यहाँ पे पावर रूल लगेगा, टू पहले आ जाएगा, टी की पावर में से माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव किसका, टी का विदाउट पावर, यहाँ पे वन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव वन का क्या हो जाएगा ज़ीरो। ये मैंने आपको रूल्स कराए थे, अगर आप इस चैनल पे न्यू आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं वीडियोज़ के, आप उनको क्लिक करें, आप प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको डेरिवेटिव रूल्स जब तक नहीं आएंगे आपको डेरिवेटिव की नेक्स्ट टर्म्स की पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ मैं क्या रूल लगा रही हूँ। टू टी टू माइनस वन, सो वन आंसर आएगा, तो वन मेंशन करें या ना करें, अंडरस्टूड होता है कि वन ही है। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, वन, प्लस जीरो था वो मैं नहीं लिख रही। जब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी टी, और हमारे पास जो आंसर आया, क्या हमारे पास आंसर आया, टू टी इंटू वन इक्वल टू टू टी, तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी आ गया टू टी। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप टू में क्या करना है, आपने फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी और एक्स की जगह आप क्या करेंगे टी प्लस फोर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जितने भी पैरामेट्रिक फंक्शन आएंगे आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके उनको करेंगे सॉल्व। डेरिवेटिव टी का अलग से, डेरिवेटिव फोर का अलग से, अगेन डेरिवेटिव सम रूल लग रहा है,
अगेन डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, वन प्लस डेरिवेटिव फोर का, फोर कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर वन, डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास क्या आंसर आ गया वन। स्टेप थ्री क्या होगा, आपने फॉर्मूला में इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है, पुट डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी इन फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला है आपने उसमें वैल्यूज को पुट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल था, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। वैल्यूज पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास थी टू टी और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या थी वन, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू टी हमारे पास आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स का। ये भी आंसर नहीं आया, अभी हम लोगों ने बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी आया है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आपने गौर से देखना है, अगर तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन हो कि डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स पैरामेट्रिक इक्वेशन का, पैरामेट्रिक फंक्शन का निकालें इन टर्म्स ऑफ टी, तो आपने यहाँ पे आके रुक जाना है। अगर कुछ मेंशन ना हो, इन टर्म्स ऑफ टी ना लिखा हो, तो आपने सिंपली डेरिवेटिव तो निकाल लिया लेकिन आपने एट द एंड टी की वैल्यू को एक्स की फॉर्म में लिखना है, ताकि मैंने जैसे आपको पहले चेन रूल में भी बताया था कि अगर डी वाई और डी एक्स है तो आपके पास जो फाइनल आंसर है ना वो एक्स वेरिएबल के अंदर आना चाहिए, फिर ही वो आपका आंसर ठीक होता है। तो यहाँ पे आ रहा है टी के अंदर, तो आप टी को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस फोर था, हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टी प्लस फोर से, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस फोर से टी की वैल्यू निकालूँ तो कैसे आएगी, एक्स ये फोर प्लस फोर है, यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ तो माइनस फोर हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पे मैं टू इंटू टी की वैल्यू एक्स माइनस फोर पुट करूँगी, सॉल्व करेंगे टू एक्स माइनस एट, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव का। अगर मेंशन हो इन टर्म्स ऑफ टी तब आपने यहीं पे आके स्टॉप कर जाना है, अगर ना मेंशन हो तब आपने ये स्टेप ओवर करना है। आपने जो भी एक्स वेरिएबल जब टी के अंदर डिफाइंड होगा वहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिर्फ एक्स से ही टी की वैल्यू क्यों निकाली, वाई से भी तो टी की वैल्यू निकाली जा सकती थी ना। अगर हम वाई से टी की वैल्यू निकालते तो टी इन टर्म्स ऑफ वाई आता, और अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हमारा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो इस वजह से हमने आपने ट्राई करना है कि आप x से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। ये थी एग्जांपल वन, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपको मज़ीद ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एट टी इज इक्वल टू फोर। अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, पॉइंट दे दिया जाए टी इज इक्वल टू फोर, तो आपने कैसे करना है, वेयर एक्स किसके इक्वल हो अंडर टी प्लस वन और वाई किसके इक्वल हो अंडर टी। वेरी इजी, सबसे पहले आपने देखना है कि फंक्शन किस फॉर्म में है, तो फंक्शन एक्स वेरिएबल टी के अंदर डिफाइंड है, वाई वेरिएबल टी के अंदर डिफाइंड है, थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड है और डी वाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब पैरामीट्रिक फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव के लिए। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट पैरामीट्रिक फॉर्मूला फॉर डी वाई ओवर डी एक्स इज, क्या है पैरामीट्रिक फॉर्मूला, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, इसको आप ए इक्वेशन कहते हैं। स्टेप वन क्या था, मैंने आपको बताया था स्टेप वन आप कर लें, स्टेप वन कर लें डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इन टू वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है अंडर टी, तो आप अंडर टी इधर पुट करेंगे। अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है वन बाई टू। अब यहाँ पे पावर लगेगा, पावर पहले टी की पावर में से माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव टी का विद विदाउट पावर, सो हाफ
टी जब आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा -1/2। और आगे टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 टी -1/2 आपके पास इसका आंसर आएगा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ये ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ अंडर टी नीचे डिनोमिनेटर में। अगर टी -1/2 अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो +1/2 हो जाएगा, 1/2 की जगह दोबारा से अंडर रूट लगा दिया मैंने, तो हम इसका फाइनल आंसर ये लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप टू क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी हमने फाइंड आउट करना है, डी ओवर डी टी इंटू एक्स। एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या थी, अंडर रूट टी +1, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी अंडर रूट टी +1। जब इसको सॉल्व करेंगे फिर से अंडर रूट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 पावर लगेगी, पावर पहले टी +1 की पावर में से -1, अगेन डेरिवेटिव किसका, इनसाइड फंक्शन का विदाउट पावर, हाफ टी +1। जब फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे -1/2 आंसर आएगा। डेरिवेटिव आगे किसका, टी का और 1 का, तो सम है दो टर्म्स का, तो आप अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आके टी +1 करेंगे, तो पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में आके 1/2 हो जाएगी, जिसको मैं अंडर रूट फिर से लिख सकती हूँ। डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1, 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट टी +1 आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं हम। स्टेप 3 क्या था हमारा, पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी मेरे पास क्या आया, 1/2 अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी का जो आंसर है वो लिख लेते हैं, 1/2 अंडर रूट टी। यहाँ पे डिवाइड है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में करूँ तो टर्म्स जो रेशियो सॉरी जो क्वेश्चन होगा वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ स्विच हो जाएगा, 2 अंडर रूट टी +1/1 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। नोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट टी +1, डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट टी आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास क्या, टी +1/t। अब अभी तक हमने क्या किया है, हमने जस्ट डेरिवेटिव निकाला है इन टर्म्स ऑफ टी। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या था, डेरिवेटिव निकालना है लेकिन एट पॉइंट 4, फाइंड डी वाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 4। डेरिवेटिव तो निकालना है लेकिन कब, जब टी 4 होगा, तो हमने डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 4 निकालना, तो कैसे निकालेंगे आप, इसी डेरिवेटिव के अंदर जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 +1 कितना होता है, 5 अंडर रूट ओवर 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव का, अंडर रूट 5/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल टू 4। ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जस्ट इतना बताया कि पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, और हमने एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल्स आए क्वेश्चन इस तरह मेंशन हो पेपर में जिसमें पैरामेट्रिक फंक्शन हो तो आपने उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है डी एक्स ओवर डी टी 0 के इक्वल ना हो। फिर आपने इसको जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स कराई आपने उसके अकॉर्डिंग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके आपने इसको सॉल्व करना है। पैरामेट्रिक ये था पैरामेट्रिक फॉर्मूला फॉर डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव के लिए। सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव के लिए पैरामेट्रिक फॉर्मूला डिफरेंट है। जब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी वो क्या होता है,
किस तरह हमने उसको एवेल्युएट करना है एग्जाम्पल्स को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।